तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोमल, आज तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? वैसे तो मैं सरप्राइज रखने वाली थी, पर बता देती हूँ, आज बनेंगे छोले भटूरे। छोले भटूरे? वाह 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 वाह, आज तो खाने में मजा आ जाएगा। सही बात है। अरे वाह, मम्मी किचन में नहीं है, मम्मी यही पापा के साथ गप्पे लड़ा रही है। यही बेस्ट मौका है पॉम पॉम के लिए किचन से कुछ खाने का सामान लेने का। कोमल तू भी ना। हाय मम्मा। हाय पॉप्स। हाय बेटा। अरे बेबी, कहाँ थे तुम? मैं अकेला हूँ उसमें टप्पू सेना के साथ। अच्छा, मतलब खेलते खेलते भूख लगी तब घर की याद आई है ना? अरे तुम रुको, मैं अब भी कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। अरे मम्मा बैठिए, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, मैं तो सिर्फ पानी पीने आया था। तो पानी लेकर आती हूँ। अरे मम्मा, अब पापा के साथ आराम से बैठ के बातें कीजिए। छोटा सा काम है पानी पीने का, वो तो मैं खुद कर सकता हूँ। अब वैसे भी पूरा दिन कितना काम करती है। नहीं बेबी, देखा हंस, अपना बेबी कितना बड़ा हो गया और समझदार भी। सही बात है, पर गोली बेटा आज जैसे किया ना वैसे दोबारा मत करना। किसी पालतू जानवर को ऐसे घर में मत लेके आना, वो क्या है ना कि पेशेंट्स डर जाते हैं। ठीक है पापा। गुड, बैठो बैठो। तो मैं तो मैं ये कह रहा था, दूध लेना, दूध 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 दूध। और परफेक्ट, दूध भी मिल गया, बिस्किट्स भी आ गए। अरे कटोरी भूल गया। ये सब क्या है गोली? क्या हुआ कोमल, क्या हुआ गोली? ये सब ऐसे नीचे क्यों पड़ा हुआ है? वो ये तो मैं पूछ रही थी गोली से। कुछ नहीं, दूध पीने जा रहा था, भूख लगी थी। अभी मैंने तुझे पूछा तो तुमने कहा कि मुझे भूख नहीं है। हाँ नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, वो हॉल में था तब भूख नहीं लगी थी, फिर हॉल से किचन तक चल के आया ना तो पता नहीं भूख लग गई। गोली, तुम इतनी छोटी कटोरी में दूध पीने वाले थे? हाँ, ओ छोटी भूख लगी थी ना तो छोटी कटोरी। नो बेबी, भूख भूख होती है। मैं अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। इट्स ओके मम्मा, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है, मैं दूध से काम चला लूंगा। गोली, ऐसे कैसे चला लोगे? जब भी भूख लगे जम के खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कोमल तुम गर्मा गर्म पराठे बनाओ, तब तक हम बाप बेटे हॉल में बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। यू गोली। वाव, एक मिनट पापा। हाँ, गर्मा गर्म पराठे लेकर आओ कोमल। आओ बेटा, रखो बेटा, मैं बनाकर लाती। आई आई, मेरे बचपन के खिलौने कहाँ हैं? अभी तू बड़ी हो गई है, खिलौना का क्या करना है तुझे अभी? आई मेरे लिए नहीं चाहिए, वो एक छोटा बच्चा है उसके लिए चाहिए। कौन बच्चा? अपनी सोसाइटी का है? नहीं आई, सोसाइटी का नहीं है, सोसाइटी के बाहर का है। लेकिन उस बेचारे के पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है, और सोचो मैं उसे अपने खिलौने दूंगी तो वो कितना खुश हो जाएगा। हरकत नहीं है, पर क्या है, तेरे पापा ने ना तेरे सारे खिलौने से संभाल के रखे, अब उनको बिना पूछे तो नहीं दे सकती हूँ ना मैं। आई दे दो ना प्लीज, वो बच्चे को जरूरत है, और वैसे भी वो कुछ टाइम खेल के लौटा देगा। तो बरोबर है, पर उनको आने तो दे, उनको पूछ के देती हूँ ना मैं। हाँ, इतनी जल्दी आ गया, भूख लगी, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं फटाफट बनाती। नहीं नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं खाना है, वो बेडशीट और पिल्लो लेने आया था। बेडशीट और पिल्लो? खाना मेरे जो ही चाहिए। नहीं 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 मम्मी, बेडशीट और पिल्लो नहीं चाहिए, वॉलेट चाहिए, जो बेडशीट के ऊपर है पिलो के नीचे है वो चाहिए। अच्छा, वॉलेट क्यों चाहिए? वो क्रिकेट बॉल खरीदने के लिए ना मम्मी, आज मेरी टर्न है।
इसलिए, और पैसे चाहिए, पैसे वॉलेट में है, तो अभी वॉलेट तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा सारू सारू आ जाके ले। कोकी सूट है, क्या गिरा? ये सब लेके किधर जा रहे? किधर भी नहीं। तो फिर निकाला क्यों? वो वॉलेट गुम गया था ना मम्मी, अभी तो बताया, तो इसलिए। तो मिला? मिल गया मम्मी, मिलते मिलते गिर गया। अच्छा अच्छा सारू सारू ला मिसकंडक्ट। जाओ धोनी मम्मी, मैं अभी छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, वड्डा हो गया हूँ। मालूम छे तू वड्डा हो गया है, पर मेरे लिए तो हमेशा नल्ला बच्चा ही रहेगा। मारो डायो डिक्रो। ऑफ कोर्स। पर इसको अच्छे से। हाँ मम। ओके। मम्मी तो हॉल रूम में सब्जी काट रही है। ये यार पिंकू इतनी क्यूट और इतनी प्यारी है ना कि मन करता है पूरा दिन इसके साथ ही खेलते रहे। एक बार इसे यहाँ सेट कर देना टप्पू, उसके बाद हमारा जॉब मन करेगा ना, तब आके इसके साथ खेलेंगे। अरे वैसे पिंकू ये गोली को के सोनू अभी तक आई क्यों नहीं? मैं जाके देख के आता हूँ। हाँ, लेकिन पिंकू प्लीज किसी को पता ना चले कि पॉम-पॉम क्लब हाउस में आ। अरे डोंट वरी, मैं यू गया और यू आया। हाँ, ए पिंकू भिड़े अंदर से बच के रहना। वाह 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 सकाराम, नए सीट कर में जच रहे हो एकदम। अरे बाप रे भिड़े अंकल, उन्होंने मुझे देख लिया तो जरूर क्लब हाउस में आ जाएंगे, और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग चोरी छुपे पॉम पॉम को पाल रहे हैं। अब देखता हूँ तुम्हें कौन हाथ लगाता है, इसे नजर रखूंगा ना सब पे। अरे अब्दुल एक मिनट। हाँ भिड़े भाई। अरे वो बिल्ली मिली क्या? नहीं नहीं भिड़े भाई, बिल्ली नहीं मिली, वो डिलीवरी करके आया, वो मार्केट में थोड़ा काम है, उसके बाद मैं बिल्ली ढूंढ लूंगा। भिड़े भाई ये क्या है? अरे हाँ ये मैं चेसबोर्ड लेके आया हूँ टप्पू सेना के लिए, सरप्राइज। अच्छा अब्दुल, बिल्ली को ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे ही बिल्ली मिलती है सोसाइटी के बाहर छोड़ के आना। हाँ बड़े भाई, वैसे मैंने टप्पू सेना को कह दिया है, मैं भी उनके साथ में ढूंढूंगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ मार्केट, मैं जरा क्लब हाउस में रख के आता हूँ। हाँ चलो चलो। ये भिड़े अंकल तो क्लब हाउस की तरफ ही आ रहे हैं, पॉम पॉम को जल्दी जाके छुपाना पड़ेगा। टप्पू भिड़े अंकल आ रहे हैं। लेकिन तूने भिड़ंकर को यहाँ पे क्यों बुलाया? अरे भाई मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आ रहे हैं। अरे अब चल पहले पॉम-पॉम को छुपाते हैं। अरे पॉम-पॉम कहाँ है? पॉम-पॉम यही तो थी, किधर थी पॉम-पॉम? हे पिंकू यहाँ पर है बॉक्स ला। अरे पर हम क्यों छुपे? अरे भिड़ंकर हमें यहाँ देखेंगे तो 100 सवाल पूछेंगे। उम्मीद करता हूँ टप्पू सेना को सरप्राइज पसंद आए। ये बॉक्स अपने आप कैसे हिल रहा है? ये आके चमत्कार है। गड़बड़ पत्थर।
ए, क्या होता है? ए, कौन है? अच्छा सुन, तू यहीं रुक, मैं पॉम पॉम को लेकर आता हूँ। जा 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 जा। बॉक्स में जो है उसे पीकर लोग हिलते हैं। अरे नहीं नहीं, बॉक्स में भूत है। भूत? ये कौन सा नया ब्रांड है? अरे ये पार्टी शार्टी से बाहर निकल सोड़ी, मैंने क्लब हाउस में एक बॉक्स देखा, उसके अंदर सच का भूत है। तो की कह रहे हैं यार, वो तो मैं नहीं मानता। अरे मैंने खुद हिलते हुए बॉक्स को देखा है। तूने हिलते हुए बॉक्स को देखा है? हाँ। पक्का तूने हिलते हुए बॉक्स को देखा है? हाँ। ओए पीड़ू, तूने कल्ले पार्टी शार्टी कर ली, मैं तुझे नहीं छटांगा। औरत पार्टी शार्टी? ओए अभी तूने ही तो कहा कि तूने हिलते हुए बॉक्स को देखा है। अरे मैंने हिलते हुए मतलब मैं हिल नहीं रहा था भाई, बॉक्स हिल रहा था अपने आप, उसको मैंने देखा। और साथ में डरावने डरावने आवाजें आ रही थी, लाइट अपने आप चालू बंद हो रही थी। अच्छा हाँ? ओ, मैं भी देखूं ये कौन सा भूत है। तू चल मेरे नाल। नहीं, मैं नहीं आने वाला। ओए पिडू, ओ व्हाई फियर व्हेन छोटी इज हियर, तू चल ना मेरे नाल। नहीं मैं भी तो देखूं केड़ा भूत है। अरे नहीं सोड़ी, मैं बोल रहा हूं आपका भूत है। चल। अरे मेरी बात मान थोड़ी, ठंड रख। ओए चल चल थोड़ी, सच में वो बक्सा हिल रहा था सोड़ी, मेरी बात। ओ तू तू चल ना, तू डर क्यों रहा, मैं हूं ना। अरे सोड़ी चल चल, तू मेरे नाल चल, मैं भी तो देखूं। सोड़ी मैं बोल रहा हूं, मैं भी तो देखूं कौन सा भूत है जो मेरे यार को डरा रहा है। चल और ना तो कोई लाइट ऑन ऑफ हो रही है और ना ही कोई डरावनी आवाजें आ रही है। ये देखो, ये वही बॉक्स है जो वहां से लेके यहाँ पे अपने आप चल के आया था। ये हाँ, ये वही बॉक्स है। हाँ ठीक है, हाँ देखते हैं। मैं क्यों आऊँ, तुम जाके देखो। देखो देखो अवकाश है थोड़ी। छोड़ी छोड़ी छोड़, बॉक्स तू छोड़। ओ चलिया, ओ ये तो खाली है, ये तो खाली बॉक्स है। डी अंकल बिना। अरे लेकिन सच में वो, मैं जब यहाँ पे वो रख रहा था ना चेसबोर्ड, तो बॉक्स वहां से चल के ऐसे धीरे 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 यहाँ तक आया। ओ पिड़ू, भूत भूत कुछ नहीं है, ओ तेरा वैन है। और नहीं तो क्या भीड़ अंकल। भीड़ अंकल आप डर गए। टप्पू तुम? हाँ मैं। मतलब ये सब तुमने किया? हाँ और नहीं तो क्या। ओ पिड़ू, ये तेरा जिन भूत। सॉरी सॉरी बिड़ंकल, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। अरे तुम्हारे मजाक के चक्कर में मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ गई थी पता है तुम्हें? सॉरी सॉरी बिड़ंकल, एक्चुअली ये मजाक में टप्पू सेना के साथ करने वाला था, लेकिन गलती से आपके साथ हो गया। ऐसा बाप ऐसा बेटा, अरे मुझे कुछ हो जाता तो। ओ पिड़ू कुछ हुआ तो नहीं ना? ओ ठंड रखे यार, बच्चे मजाक नहीं करेंगे तो क्या तू और मैं मजाक करेंगे? चल चल नीचे, चल नीचे चल के ताजी हवा खाते। एक मिनट, ये लाइट का बंद चालू होना और ये आवाज का तो मैं समझ गया, लेकिन ये बॉक्स को कैसे हिलाया तुमने? व,
मैजिक मैजिक था मेरा। कैसा मैजिक? वो सॉरी भिंड अंकल, एक्चुअली क्या है ना कि टप्पू कभी अपने राज रिवील नहीं करता। अगर राज रिवील हो गया तो फिर मैजिक खत्म। तुम लोग के लिए सरप्राइज देने गया ना, यही मेरी गलती थी। ओ छड़ ना यार पीड़ू, चल नीचे चलते। हाँ एक मिनट। ओ टप्पू, ओ मेनू तो दस कैसे किया था? सीक्रेट है। चलो टप्पू, तो बॉक्स संभाल के रखना। हाँ ओके चलो। एंजॉय एंजॉय। थैंक यू मैडम का ना। ओ छड़ ना। पिंकू बाहर आ जा, गई भिड़े अंकल। गए? हाँ गए गए गए। यार अगर भिड़े अंकल पोम-पोम को देख लेते ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। अब आके क्या करना है वो बता भाई। पहले गोली गोगी सोनू को आ जाने दे, फिर सोचते हम लोग कुछ। पोम-पोम मस्त खेल रही है। आई खिलौने दे दो ना, अब पता नहीं बाबा कब आएंगे, बट आई प्रॉमिस वो जैसे आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी पक्का। दे देती हूँ, वैसे वो तेरी बात कहाँ डालने वाले हैं। तुम बैठो, मुझे बता दो कहाँ रखे, मैं ले लूँ। अरे नहीं बाड़ा, बहुत ऊपर रखे हैं, अकेली नहीं निकाल पाएगी। मैं देती हूँ तुझे निकाल, आ जा। संभाल क्या, ये ले तेरे खिलौने का बॉक्स। थैंक यू आई। वो चाहिए वो ले लेना, उसमें से रख आराम से। थैंक यू। हाँ ये तुझे इतनी पसंद थी, ये बॉल्स मैं बाबा के साथ कितना खेलती थी बचपन में। हाँ। ये मेरी पीटी। अरे ये तेरी डॉल याद है, मेरी पिंकी आई, आपको याद है? इसके बिना मैं सोती भी नहीं थी और दिन भर इसी के साथ खेलती थी। क्या पसंद थी तुझे, छोड़ती नहीं थी तू। आई मैं बच्चे को ही खिलौने देके आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। की करा की करा। यस मिल गया आइडिया। मम्मी। हाँ डिकरा। बहुत प्यास लगी है, एक ग्लास पानी देना ना प्लीज। हाँ डिकरा अभी लाई। मम्मी मैं गोली के घर पर जा रहा हूँ, वही पानी पी लूंगा। अरे गोगी गोगी, कमाल छे मारो डिक्रो। मजा आ गया। हाँ ये लो पानी पियो। हाँ लो बेबी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं को, मैं सच कहूँ ना था, पराठे में मजा आ गया। थैंक यू। बेटा तुम्हारा पेट तो भर गया ना? मेरा पेट तो भर गया, लेकिन बेचारी पॉम-पॉम का क्या? अरे कुछ तो बोलो। हाँ 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 हाँ, पराठे एकदम सुपर है मामा, मस्त है मस्त है। बेचारी पॉम-पॉम को कितनी भूख लगी होगी, किसी भी बहाने से ना दूध और बिस्किट मांग लेता हूँ। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? मामा मुझे थोड़ा दूध और बिस्किट मिलेगा? मतलब पेट भरा नहीं है, मैं अभी पराठे बना कर लाती हूँ। अरे नहीं 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 मम्मा, पेट भर गया है वो मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, वो मैं गली के बाहर कुत्ता है ना उनके लिए मांग रहा था। वो मैं आज बिस्किट के पैकेट्स लाया ना, वो भी उनके लिए लाया। बेबी सो थॉटफुल, अभी लेकर आती हूँ। हंस वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हमें अपने साथ साथ अपने आजू बाजू के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना? वेरी गुड। ये लो बेबी, ये दूध और ये बिस्किट। ओके थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। वेलकम। एक मिनट बाबा। हाँ नहीं, एक मिनट मम्मा। हाँ मैं यहाँ से जाता। हाँ भाई हूँ मैं टेंशन में, मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं टेंशन में हूँ। भाई सोनू गोली और गोगी पॉम-पॉम के लिए सामान लेके आ रहा हूँ, रास्ते में खड़ी है दो चट्टाने, भिड़े और सोढ़ी की नाम की दो चट्टाने, इन्हें पार करना लोहे के चने चबाने जैसा है। भाई परिस्थिति ऐसी है कि बड़ा सा बॉम्ब है,
धागे में आग लग चुकी है, बारूद पे पहुंचने ही वाला है, पता नहीं फटेगा कि नहीं फटेगा। एक बार तो टप्पू और पिंकू ने पोंपों को बचा लिया भिड़े से, तो नहीं फटा बम, लेकिन अब इनसे बचना मुश्किल है। क्या करेंगे ये लोग अगर भिड़े को पता चल गया कि पोंपों सोसाइटी में है, तो उसको बाहर छोड़ के आ जाएगा ना। क्या होगा, ये बम किस तरह से फटेगा और कितना फटेगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.